हे फूडीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं ज़ाफ़रानी मलाई कोफ्ता, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। दो बॉयल्ड आलू को ग्रेट करके हमने एक बोल में ले लिया है और 250 ग्राम पनीर को हमने ग्रेट करके उसी बोल में ले लिया। एक चम्मच गरम मसाला डालें, एक चम्मच अमचूर पाउडर डालें, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक। अब अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करें। अब ये कोफ्ता बनाने के लिए एकदम तैयार है। छोटे पोर्शन लेके अब हमें कोफ्ते का शेप देना है। सारे कोफ्ते हमें ऐसे ही बना लेने हैं और उसके बाद इसे मैदे में रोल करके हमें एक प्लेट में अलग रखना है फ्राई करने के लिए। कढ़ाई में एक कप तेल डाल के उसे गर्म करें। कोफ्ते हमारे फ्राई होने के लिए एकदम तैयार हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके अपने कोफ्ते फ्राई करेंगे। गोल्डन फ्राई आँच हमारी मीडियम टू स्लो रहेगी और ऐसे ही धीरे धीरे हमें अपने कोफ्तों को पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है। 1.5 से 2 मिनट में एक तरफ से कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हमें धीरे धीरे फ्लिप करना है, पलट लेना है अच्छे से, और दूसरी तरफ से भी अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब इसे हम धीरे से एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लें। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्र, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 6 हरी इलायचियाँ, ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमने कटे हुए प्याज ले रखे हैं, वो हम इसमें डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। प्याज किनारों पे गोल्डन होना शुरू हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन छिला हुआ और 1 टेबल स्पून छिला हुआ कटा हुआ अदरक और 4 हरी मिर्चें डाल के इसे हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा भून चुका है। अब इसमें हम 3 बड़े टमाटर कटे हुए डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक को अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें हम डालेंगे 8 से 10 काजू के टुकड़े और उसे भी हम अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। भून लेने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। भुनने के साथ साथ अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी ताकि हमारा सूखा मसाला जले नहीं। पानी को अच्छे से मिला लेने के बाद इसे अब हम ढक के 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक हमारा टमाटर भुन के सॉफ्ट ना हो जाए। 10 मिनट के बाद हम जब देखते हैं तो पानी सूख चुका है और टमाटर भी हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र करके उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें पड़े हुए तेज़पत्र को हम हटा देंगे। इसे हमें महीन पीस लेना है। पीसने के बाद इसे हमें छान लेना है। अच्छे से हमें इसे छानना है ताकि हमारे मोटे मसाले, रेशे और टमाटर के छिलके बिल्कुल भी हमारी ग्रेवी में ना जाएं। पानी डालते हुए हमने इसे अच्छे से छान के तैयार कर लिया है और अब एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच मक्खन डाल के इसे गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। धीमी आंच पे कश्मीरी मिर्च को भूनते हुए अब हमने इसमें अपनी छानी हुई ग्रेवी को डाल दिया है। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी हमारी पक चुकी है। इसमें हम डालेंगे घर की फ्रेश 1 कटोरी मलाई। दूध में हमने 1 चुटकी केसर भिगो के रखा हुआ था, जिसे हम अब इसमें डालेंगे केसर मिल्क। धीरे धीरे करके डालेंगे चारों ओर
और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। एक पैन में एक टेबलस्पून मक्खन और एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर हमने बघार तैयार किया है, जिसे हम एंड में अपने कोफ्तों पर डालेंगे। अब एक बोल में हम ग्रेवी डालेंगे और उसके बाद इस पे हम कोफ्ते डालेंगे। पहले से कोफ्ते हमने नहीं डाले हैं, इससे कोफ्ते टूट सकते हैं। कोफ्ते हमारे रेडी हैं, इस पे डालेंगे हम एक चम्मच फ्रेश क्रीम और केसर मिल्क जो हमने रखा हुआ था वो थोड़ा सा, ऊपर से गार्निशिंग के लिए बघार डाला हमने, और उसके बाद ये हमारा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसे ज़रूर से ट्राई करिए, खाइए, खिलाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।